हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आप सभी ने बिल्कुल ठीक थंबनेल देखा कि इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स चेंज हुए हैं, मतलब डिलीट हो गया है, या कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम टैक्स को किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का हाल बेहाल है इनकम टैक्स को लेके, कि भाई कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है। इतनी मोटी बुक है और पढ़े तो पढ़े कैसे, और ऊपर से चीज़ों को याद नहीं हो रहा, रिटेन नहीं हो रहा, एक एक चैप्टर इतना लंबा है। मतलब कि बहुत बुरा हाल है इनकम टैक्स में बच्चों का, और होगा भी क्योंकि सब्जेक्ट ही हमारा इतना लेंदी है। तो सेमेस्टर 5 के अंदर एनईपी के बच्चों के अंदर ये इनकम टैक्स है, और सीबीसीएस में अगर कोई बच्चा रह गया हो तो उसका सेमेस्टर 3 में होगा। अदर यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के जब भी होगा वो सेम ही इनकम टैक्स रहने वाला है। पहले मैं आपको यूनिट वाइज क्लासिफिकेशन दे देता हूँ कि किस यूनिट में कितने चैप्टर हैं और कैसे पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आपका, अगर मैं यूनिट वाइज में बात करूँ, तो आपके 5 यूनिट हमेशा हर सब्जेक्ट में है। पहले यूनिट की बात करूं तो इसमें सबसे पहले थ्योरी आता है फर्स्ट यूनिट में, जिसमें असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और आपका टाइप ऑफ पर्सन, कितने टाइप के पर्सन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना होता है। सेकंड, इसके अंदर यूनिट 1 का ही पार्ट है, रेजिडेंशियल स्टेटस, के कौन हमारा रेजिडेंशियल होगा या नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक पैन कार्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, के परमानेंट अकाउंट नंबर होता क्या है, ये इंट्रोडक्शन थियोरिटिकल पार्ट है, ये प्रैक्टिकल है। इसके स्लैब रेट, ये भी प्रैक्टिकल कहोगे, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम, ये हमारा यूनिट 1 खत्म हो जाता है। अगर आप यूनिट 1 खत्म कर लेते हैं तो आपको 18 नंबर आपके एग्जाम में स्कोर हो जाएगा। इसमें से एग्जामिनर का कहना है कि हम 18 नंबर का इसमें से आपसे सवाल पूछेंगे। अगला पॉइंट आता है यूनिट नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, जिसके अंदर एक चैप्टर है हमारा सैलरी और एक है हाउस प्रॉपर्टी, सिर्फ 2 ही चैप्टर है। और सैलरी में भी कुछ पार्ट डिलीट हुए हैं। क्या डिलीट हुए, ध्यान से देखिएगा। तो सैलरी एक बहुत बड़ा अपने आप में चैप्टर है, लाइव क्लासेस में खत्म हो चुकी है, बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी आएंगी। और ये हमारा 22.5 मार्क्स का एग्जामिनर कहता है कि इसमें से हम क्वेश्चंस को पूछेंगे, यानी 22, 23, 20, 22 ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 चैप्टर में से। तो दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हाउस प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, आपने पढ़ा भी होगा। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 के अंदर आपका है हमारा पीजीबीपी और कैपिटल गेन, 2 ही चैप्टर हैं जिसका वेटेज है हमारा 22.5। ये बिल्कुल डीयू के बेंचमार्क जो उन्होंने डिसाइड किया है, जो मीटिंग गाइडेंस में उनके निकली है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर चैप्टर हमारे हैं 3 बेसिकली, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेटअप। हाँ, ये बड़े छोटे छोटे चैप्टर हैं, जो कि एक एक दिन में ये तीनों चैप्टर हो सकता है अगर आप शुरू में पढ़ रहे हो, रिवीजन में मैं करवाऊंगा, तो ये 13.5 मार्क्स का आपका आने वाला है। यूनिट नंबर 5, दैट इज डिडक्शन और आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इंडिविजुअल, चाहे आपका पार्टनरशिप फॉर्म उसका होगा, ये 13.5 मार्क्स का है। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है विद मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर हम कैसे पढ़े, नहीं पढ़े, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, देखो पढ़ना तो पड़ेगा। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो आप उसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। आज सिर्फ आप वीडियो देखेंगे तो नहीं बात बनने वाला है। अब आगे चलिए, बढ़ते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि डीयू के गाइडलाइंस आई हैं। और मैं बीच में कहना भी चाहूंगा कि जिन बच्चों को अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है हमारा, तो अभी नवरात्रे का ऑफर चल रहा है, और नवरात्रे के ऑफर में आपको 1 कोर्स 399 का और 2 कोर्स आपको 749 का पड़ेगा। जैसे मैनेजमेंट और इनकम टैक्स लेते हैं तो 750 रुपये में दोनों कोर्स मिलेगा, जिसमें लाइव क्लास, डाउट और आपके डाउट सेशन, सारी ईच एंड एवरीथिंग के उसके अंदर कंप्लीटेड होगा, और प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से आपको चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे आगे देखते हैं हम कि जब डीयू के अंदर, अभी कल, अभी कुछ दिनों पहले ही मीटिंग हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई इनकी, और ऑनलाइन मीटिंग में इन्होंने इनकम टैक्स के ऊपर डिस्कस किया, कि इनकम टैक्स के अंदर डिस्कशन किया कि मतलब कैसे कैसे हमें
बच्चों को क्या क्या टॉपिक एक्स्ट्रा है, क्योंकि बुक आप देखोगे जैसे कि मान ले हम वीके सिंघानिया, तो बुक बहुत मोटी बुक है, 10 ईयर भी आ रही है भाई, बहुत सारी चीजें कैसे पढ़े नहीं पढ़े। तो उन्होंने फैसला किया कि कुछ चीजों को इसमें से डिलीट कर दिया जाए, ये बच्चे ना पढ़े, फोकस ना करें एग्जाम सब चीज, क्योंकि बच्चे इसी बात को लेकर परेशान है। तो हर एक यूनिट में कुछ ना कुछ उन्होंने गाइडेंस दिया है, उसी गाइडेंस को मद्देनजर बात हम करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर वन में कहा गया कि आप इसके अंदर जो मैंने चैप्टर्स लिखे वो सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन गाइडेंस में, हाँ एग्रीकल्चर इनकम मैं पीछे लिखना भूल गया, एग्रीकल्चर इसी का पार्ट है। गाइडेंस में क्या कहा कि एग्रीकल्चर इनकम ओनली सिंपल इंटीग्रेटेड नीड टू बी कवर, इसके अंदर एक होता है कॉफी टी रबर का सर्टेन परसेंटेज, बोला गया केसेस ऑफ रबर टी कॉफी नॉट टू बी कवर्ड, ये हम एग्जाम में आपसे इस पॉइंट पे सवाल नहीं पूछेंगे। तो काफी बच्चों का होता है कि जब सेल्फ पढ़ने बैठ रहे होते हैं या फिर कहीं अदर चैनल पे आप वीडियो देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग आप कवर कर जाते हैं जो कि आपके इंतहाम में एग्जाम में आएगा भी नहीं। तो इससे बड़ी परेशानी है, ये टाइम वो नहीं है कि हम डिटेल पढ़ें, दिस दैट टाइम इज कि शॉर्ट में और आप अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ें, तो ये एक तो नहीं कवर करना। रेजिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन 9(1) नहीं पढ़ना, नीड टू बी आपका एम्फसाइज, मतलब नहीं पढ़ना है। तो कई बार बच्चे यूट्यूब पे, सबसे बड़ा देखो इंटरनेट पे, मैं अगर आपको बताऊं तो आप इनकम टैक्स यूट्यूब या इंटरनेट से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत डिटेलिंग चीजें होती है। हम सिर्फ आपको उतना ही बताते हैं जितना एग्जाम में आता है और जितना आपको अच्छे से एग्जाम बहुत अच्छे से आपका हो पाए। तो अगर मैं बात करूं, आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, किसी अदर चैनल पे भी पढ़ते हो, मेरे चैनल पे तो उतना ही मिल रहा है आपको, अदर चैनल पे कुछ बच्चे सोचते हैं जल्दी कर लें, तो वहां पे 9(1) भी कवर कर रखा है, आपने कर लिया लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं, आपका टाइम खराब हो रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से नोट करिएगा रजिस्टर पे। अगला कहता है एग्जेम्प्टेड इनकम, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, अगेन मैं भूल गया वहां पे लिखना, एग्जेम्प्टेड इनकम में द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड इनकम नीड टू बी कवर्ड सेक्शन, जैसे 10(1) है, 10(2), 10(5), 10(7), 10(10), 10(10A), 10 और 10(13), 10AA, ये सारे सेक्शन कवर्ड करने हैं। All 6 allowances under section 1014, आपका under section 1014 के अंदर जितने भी allowances है need to be cover करने हैं। Only education, अब allowances में भी only education और hostel and transport allowances need to be cover। इसके अंदर हम salary chapter के अंदर बहुत सारी चीजें allowances में आता है, hilly area allowances, travel area allowances, बोला मत याद रखिए limit को, थोड़ा हल्का कर रहे हैं, सिर्फ ये तीन चीज को ही याद रखिएगा। इन स्पेशल अलाउंसेस अंडर सेक्शन 1014, इसके बाद टैक्सेशन पॉलिसी ब्रीफ द क्वार्टरलिया टैक्सेशन पॉलिसी, मतलब इसके अंदर गिवन है कुछ पॉलिसीज थे वो, तो सिंपल सी बात है कि कुछ चीजें इसमें से भी अगेन छोड़ना है जो पता होना चाहिए। अब यूनिट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं कुछ टॉपिक को लेके, लाइव क्लास में बोल रहे थे सर ये चीजें आपने छुड़वा दिया। अब इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दो चैप्टर है इस यूनिट में, कहते हैं ईसॉप के सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर करें, आपके ईसॉप पे इतने भारी भारी क्वेश्चंस है, बच्चा परेशान हो रहा है सैलरी में, हालांकि मैंने तो सैलरी खत्म करा दिया है, बस प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं 10 ईयर के। वैल्यूएशन ऑफ ईसॉप नॉट नीड टू बी कवर, यानी जो सवाल करने वाले हैं वो मत करिए, बस ईसॉप समझ लीजिए होता क्या है। रेंट फ्री अकोमोडेशन में होटल एकोमेंडेशन और दो जो एकोमेंडेशन होता है सेम टाइम पे नॉट टू बी कवर, हालांकि मैंने बता दिया था रेंट फ्री एकोमेंडेशन में, लेकिन ये मत कवर करिए, इस पर ज्यादा फोकस मत करिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस एम्प्लॉय नॉट टू बी कवर, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है उसको भी मत कवर करिए। ट्रेवल एरिया हिली एरिया आपका अलाउंसेस नॉट टू बी कवर, इसने बोल ही दिया तो आपको लिमिट भी याद नहीं रखना, इतना इतनी ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है आपको। वीआरएस वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम एंड रिट्रेचमेंट कंपनसेशन नॉट टू बी कवर, मैंने क्लास में भी नहीं कराया ये टॉपिक, बस ओवरव्यू दे दिया कि 5 लाख की लिमिट होती है एंड ये सारी चीजें एंड ऑल, और मैंने उस टाइम पे कहा बस पढ़ लीजिएगा एग्जाम में नहीं आएगा, और वही गाइडेंस के अंदर बोला गया कि इसको मत याद करना, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम आपसे। स्वेट इक्विटी शेयर का सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़िए थ्योरिटिकल, इसके वैल्यूएशन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ये वो टॉपिक्स इन्होंने बताए जो कि ऐसे अटपटे से टॉपिक हैं, बोला इसमें से हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो इस पर ज्यादा फोकस मत करिएगा एग्जाम के लिए। आगे देखा जाए
यूनिट नंबर थ्री में जो सबसे ज्यादा हमारा था जो कि पीजीबीपी है, और एक आपका प्रॉफिट एंड बिजनेस यानी बिजनेस प्रोफेशन वाला, और एक कैपिटल गेन। कहता है कि कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन प्रोफेशन, ये अभी हमने कवर्ड भी नहीं किया इसके अंदर, ऑल दो ये सारे सेक्शन आपको ओनली सेक्शन दिस 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 कवर्ड करना है। कंप्यूटेशन इनकम कैपिटल गेन, मैं इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जैसे कि अमालगमेशन होता है, जैसे कि आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे होता है, या फिर मर्जर होते हैं, इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। वो बोल रहे हैं कह रहे अंडर द गाइडेंस नॉट नीड टू बी कवर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स फर्म एंड फर्म इन इट्स पार्ट कैपिटल गेन ट्रांसफर शेयर्स डिबेंचर इन एक्सेट्रा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने अभी ये चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं कराया है, लाइव क्लास में अगली क्लास में स्टार्ट होगा ये चैप्टर, तो मैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ जो DU के गाइडेंस है या यूनिवर्सिटी की जो भी गाइडेंस है उसके हिसाब से। अंडर कैपिटल गेन ये सेक्शन कवर करना है 50, 54B, 54EC, 54F टू बी कवर्ड ओनली सिंपल क्वेश्चंस ऑन 54F। 54F पे हमारे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन करना है, इसके अंदर पूरा अभी हम पढ़ेंगे। कैपिटल गेन प्रोविजन रिलेटेड इंडिविजुअल नीड टू बी कवर। अब कंपनी के अंदर कैपिटल गेन नहीं करना, कुछ बोलेंगे सर जैसे पार्टनरशिप ने एक एसेट्स बेच दिया तो कैपिटल गेन होगा, जी होगा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं आएगा उस पे से। और यहां पे सेक्शन स्पेसिफाई कर रखा है कुड आपका बैंकिंग नोट टू बी कवर 44AA, 44AB, 44AD। कहता है 35AD प्रोविजन रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री कुड कोल्ड स्टोरेज से है बैंकिंग एक्सेट्रा नोट टू बी कवर। सेक्शन ये वाले हैं नीड टू बी कवर, मतलब ये वाले इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इस पे से थ्योरी आएगा, और जब मैं पढ़ाता हूं तो ये सेक्शन को मैं हमेशा 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 कवर करता हूं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करें तो ये कुछ कुछ सेक्शन बोले गए हैं। वीडियो लंबी हो रही है आई नो, बट आप समझ सकते हैं उन चीजों को। आगे देखा जाए तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्लबिंग ऑफ इनकम सेट ऑफ, यानी सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होगा क्या, इनकम फ्रॉम पर्सन, मतलब ये चैप्टर्स है, इनकम एक अदर सोर्स और एक है आपका असेसमेंट इंडिविजुअल एग्रीगेट इनकम यानी क्लबिंग और एक सेटअप, तीन चैप्टर मैंने पहले भी लिखवाए और ये भी है। कहा गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर सेक्शन ये अभी सेक्शन से तो समझ में आएगा ना, नीड टू बी कवर्ड, बस इतने ही सेक्शन करिएगा, बाकी फालतू के सेक्शन नहीं करने हैं। क्लबिंग के अंदर सेक्शन इससे लेके ये करिएगा, ये वाला सेक्शन कवर नहीं करना है, और जो किताब होता है उसमें सब कुछ होता है। सेक्शन कवर्ड सिर्फ 71, 72, 73, 73, 73A, 74A, 79, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
94.8। आप इस किताब के अंदर जो भी किताब है आपके पास जो कॉलेज में लगाया गया, या तो ग्रीस आहूजा या वीके सिंघानिया, दो किताबें, इन किताब के अंदर सब कुछ है। बच्चा सबको पढ़ता रहता है और उससे भी एक्स्ट्रा पर्सनल टेक्स्ट प्लानिंग भी डाला हुआ है। बच्चा पढ़ता रहता है यार, सिलेबस कितना है, कब खत्म होगा। लेकिन स्मार्ट बनिए और स्मार्ट तरीके से पढ़िए, सिलेबस इतना ज्यादा नहीं नजर आएगा आपको। सर यूनिट नंबर 4 के बाद यूनिट नंबर 5 में बोला गया कि हमारे जो चैप्टर्स हैं वो दो ही चैप्टर हैं, एक डिडक्शन है और एक आपका कंप्यूटेशन है। डिडक्शन में सिर्फ ये वाले करेंगे और बाकी के डिडक्शन वाले नहीं करेंगे। डिडक्शन में ये करेंगे और बाकी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रिबेट रिलीफ नॉट टू बी कवर, रिबेट रिलीफ होता था जिसके अंदर मार्जिनल रिलीफ वाला मैंने करवाया है क्लास में, लेकिन उसको इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना है। लेके ITR 2 पढ़िएगा और जो TDS है सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा TDS ITR में पढ़िएगा। TDS से रिलेटेड ये आपका जो ये दे रखा है ना, दैट इज आपका, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है आपको और पूरा नहीं पढ़ना, बस हल्के हल्के सवाल पूछे जाएंगे ये बोला गया है यहाँ पे। ये टोटैलिटी में हमारा था सारा का सारा इनकम टैक्स का कंक्लूजन। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अच्छे से पढ़िएगा। मैंने जैसे कि बता ही दिया कि आपके YouTube चैनल पे आप जिससे जुड़े हुए हो, आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो जानकारी आपके सामने आने वाला है एग्जाम के, सारी जानकारी और पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए वो सारी स्ट्रेटेजी आने वाले हैं। अगर वैल्यू मिलता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए आप चैनल को। आगे अगर YouTube पे वीडियो जिस प्रोसेस में आ रहा है वो तो आ ही रहा है, अगर इन केस आपकी हम बात करें कि YouTube पे थोड़ा सा लैग डिले चलता है क्योंकि बहुत सारी वीडियो आती है, जिन बच्चों ने पढ़ना नहीं चाहा अभी शुरू किया, अगर ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आप
आपको कहीं भी कोचिंग लेना चाहिए, चाहे मेरे से पढ़ लीजिए ऑनलाइन कोर्स लेके लाइव क्लासेस से, चाहे कहीं भी पढ़ लीजिए, लेना पड़ेगा। आप यूट्यूब से नहीं पढ़ पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। जो बच्चे स्टार्टिंग से हैं वो यूट्यूब से कर सकते हैं, उनका सिलेबस हो जाएगा। जो बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है या 10 दिन पहले स्टार्ट करा, वो पूरा का साल खराब कर लेंगे। इसलिए मैं उन सब बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप डोंट वेस्ट। 5वें सेमेस्टर में एक पेपर में फेल होने का मतलब है आपका पूरा का पूरा साल खराब हो जाना। आपके पास इनकम टैक्स है, आपके पास मैनेजमेंट है, आपके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स है, और भी भारी भारी आपके पास कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं। इस बात का स्पेशली आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैं अगेन एंड अगेन आपको बोल रहा हूं। अब हम बात करते हैं सर, अगर जिस बच्चे का, अब कैसे पता करें कि सर हम मतलब कि हम YouTube से कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं। अगर आपके पास समय की बहुत कमी है, अगर आपके पास टाइम की बहुत बहुत कमी है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, आपको बहुत सिंपल सी बात करें तो, अगर टाइम की कमी है तो गो विद ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आप पढ़िए, जॉब करिए और टाइम निकालिए डेली के 2 आवर्स कर पाइए। जिन बच्चों को याद नहीं होता वो कनेक्ट होंगे, वो वैसे करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं हर चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे लर्न किया जाए, कैसे याद किया जाए, क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं एग्जाम से पहले, क्या क्या आप मिस्टेक्स करते हैं। अगली मैं वीडियो आप कमेंट में लिखिएगा, नीड इस तरीके की वीडियो तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको समझ में आया होगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कर लीजिए। और जिसको ऑनलाइन कोर्स जुड़ना है, 750 रुपए का 2 कोर्सेस है सिर्फ नवरात्रि तक। थैंक यू सो मच।